हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रेम भाटिया। इस वीडियो में हम आप जानेंगे कि टीबी के लिए कितने प्रकार के टेस्ट हैं जिसके माध्यम से आप टीबी का पता लगा सकते हैं। टीबी एक जानलेवा बीमारी है जिससे प्रतिदिन हजारों लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं, किंतु सही समय पर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट से इस रोग की भयावहता को कम किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं ऐसे कौन से टेस्ट है जिसके माध्यम से हम टीबी का पता लगा सकते हैं। टीबी के लिए हमारा जो पहला टेस्ट है वो है कफ या बलगम की जाँच, जिसे स्पुटम फॉर AFB टेस्ट कहा जाता है। यदि किसी व्यक्ति को 15 दिन से अधिक खांसी होती है तो बलगम या कफ की जांच की सलाह दी जाती है। इस टेस्ट के माध्यम से टीबी के बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप में खोजा जाता है। बैक्टीरिया की उपस्थिति टीबी की पुष्टि करता है। इसके लिए आप किसी भी सरकारी अस्पताल में जाकर निःशुल्क जाँच करवा सकते हैं। यह जाँच कैसे होती है और इसकी रिपोर्ट कैसे आप पढ़ सकते हैं, इसके संबंध में हमने दो वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है जिसे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टीबी के लिए दूसरा टेस्ट है छाती का एक्सरे, यानी कि चेस्ट एक्सरे। एक्सरे के माध्यम से फेफड़ों की टीबी की वजह से जो नुकसान पहुँचा है उसको देखा जाता है और लंग्स का कौन सा पार्ट इफेक्टेड है इसका भी हमें एक्सरे के माध्यम से पता चल जाता है। यदि आपके बलगम की जांच नेगेटिव आती है और आप में टीबी के लक्षण बने रहते हैं तो डॉक्टर एक चेस्ट एक्सरे करवाने की सलाह दे सकता है। चेस्ट एक्सरे को देखने के बाद यदि डॉक्टर को लगता है कि आपको टीबी का इन्फेक्शन है या फिर टीबी का इलाज शुरू किया जाना चाहिए तो डॉक्टर इस आधार पर टीबी का इलाज शुरू कर सकता है। इसे क्लिनिकली डायग्नोस्ट टीबी कहा जाता है। टीबी के डायग्नोस्टिक के लिए किया जाने वाला तीसरा टेस्ट है एमटी टेस्ट, इसे मेंटोक्स टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें ट्यूबरकुलिन या पीपीडी की छोटी सी मात्रा को व्यक्ति में इंजेक्ट किया जाता है और 48 से 72 घंटे के बाद इसकी प्रतिक्रिया को नोट किया जाता है। एमटी टेस्ट या मेंटोक्स टेस्ट के स्थान पर किसी लालिमा या फफोले की उपस्थिति पॉजिटिव टेस्ट को बताता है। यह शरीर की किसी भी टीबी को डिटेक्ट करने के लिए उपयोग में लिया जा सकता है। हालांकि यह टेस्ट टीबी के लिए किया जाता है, किंतु केवल मेंटोक्स टेस्ट पॉजिटिव के आधार पर टीबी का इलाज शुरू नहीं किया जाता है। इसके साथ अन्य लक्षणों को भी ध्यान में रखा जाता है। टीबी को डायग्नोस करने के लिए किया जाने वाला चौथा टेस्ट है CBNAT या TRUNET। यह टेस्ट भी कफ या बलगम सैंपल द्वारा किया जाता है, किंतु इसमें बलगम की जांच CBNAT मशीन द्वारा की जाती है और इससे न केवल टीबी की बैक्टीरिया की उपस्थिति का पता चलता है बल्कि उस बैक्टीरिया के लिए काम में आने वाली दवाई के बारे में भी विशेष जानकारी प्राप्त होती है। बलगम के साथ साथ शरीर के किसी भी अन्य द्रव्यों में भी टीबी का पता लगाया जा सकता है, जिसे पल्मोनरी टीबी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहा जाता है। टीबी के डायग्नोसिस के लिए हमारा जो अंतिम और पाँचवा टेस्ट है वो है टीबी गोल्ड। टीबी गोल्ड एक ब्लड टेस्ट है जो कि टीबी के बैक्टीरिया माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का पता लगाने के लिए किया जाता है। यह मेंटोक्स टेस्ट का आधुनिक विकल्प है। मेंटोक्स टेस्ट के विपरीत इसमें मरीज को केवल एक बार लैब में जाना होता है और रिपोर्ट के लिए भी 2-3 दिन का इंतजार नहीं करना पड़ता है। मेंटोक्स टेस्ट की तरह यह टेस्ट भी एक्टिव टीबी और लेटेंट टीबी के मध्य में अंतर नहीं कर पाता है। इस टेस्ट के माध्यम से टीबी के विरुद्ध बनी एंटीबॉडी IgG IgM का पता लगाया जाता है। यह भी पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी को डिटेक्ट कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति को टीबी टेस्ट करवाना होता है तो सभी टेस्ट करवाने की आवश्यकता नहीं होती है। लक्षणों के आधार पर डॉक्टर जिस जांच के लिए आपको सजेस्ट करते हैं वह जांच करवाई जा सकती है। रिपोर्ट के आधार पर टीबी के इलाज का अंतिम फैसला आपके डॉक्टर द्वारा ही किया जाता है। तो आई होप आपको ये जानकारी काफ़ी पसंद आई होगी। तो पसंद आई है तो लाइक कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक और फ्यूचर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।